नहीं मिलेगा, तो शांति सुख मिलेगा तो भगवान की भजन में मिलेगा और कहीं तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए कहते साधु माने ही होच्छे तिनी एकटा जुप एकटा खड़ग हाथ निये जुप काष्ठर निकट दंडायमान रहचेन। साधु का मतलब क्या है? साधु का मतलब होता है जिसे खड़ग लेकर के जुप काष्ठ समझते हो, जिसे बकरी को जिसमें बलि देते हैं, बकरी को जिसमें बलि देते क्या कहते हैं, बकरी का सर उसमें फंसा जाते हैं, फंसा करके खड़ग लेकर के तलवार लेकर के खड़े रहते उसको काटने के लिए, है उसको काटने के लिए खड़े रहते। उसी तरह साधु क्या करते हैं, साधु क्या करते हैं, साधु ये करते हैं ये भी हाथ में एक तलवार लेकर खड़े हैं, एक तलवार लेकर खड़े बोले किसको काटने के लिए, बोले ये बकरी, ये बकरी को न बोले हम जी, बकरी बकरी को साथ में क्यों उदाहरण दिया, देखना बकरी को भले ही आप जितने खिला दो लेकिन उसको फिर घास दो ना, फिर उसमें मुंह मारना शुरू कर देगा, फिर खाना शुरू कर देगा, उसको फिर शुरू कर देगा। इसलिए एक संत एक सुंदर एक उदाहरण दिया है, उन्होंने दिया एक समय एक राजा ने अनाउंसमेंट किया पर राज्य में, अगर ये बकरी को जो संतुष्ट कर देगा उसका आधा राज्य दे दूंगा, अगर ये बकरी को लेकर के जो संतुष्ट नहीं कर पाएगा ना उसको मृत्युदंड है, उसको मृत्युदंड मिलेगा। आधा राज्य कोई साधारण बात है, सब लोग आए बोले हम बकरी को संतुष्ट कर देंगे। खूब उन्होंने खेती में लेकर खूब घास खिलाए, खूब घास खिलाए, खिला करके लेकर के आए बोले तो पेट भर गया। फिर राजा क्या किया उन्होंने, फिर उन्होंने घास को जो उसको देना शुरू किया ना, फिर शुरू कर दिया खाना, फिर खाना शुरू कर दिया। अब देखना बकरी को देखे हो, अब देखना बकरी इधर खाता रहेगा इसे ठाटी करता रहेगा, अब देखते तो होंगे हम लोग गाँव के हैं इसलिए उधर खाता रहेगा, उसका मुंह कभी बंद होते हुए कहीं नहीं देखोगे, दिन भर खाएगा दिन भर पैखाना करता रहेगा, हैं? भले ही जिसको उसको खिला दो वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए उन्होंने जिन जिनियों ने उसको बकरी को लेकर गए हैं उसको संतुष्ट करने के लिए, उसको बकरी को लेकर संतुष्ट करने के लिए गए, जब लाए तो संतुष्ट करते फिर घास दिया तो फिर खाना शुरू कर दिया, राजा उसको फिर मृत्युदंड दिया। एक साधु आए बोले महाराज आपका बकरी को मैं संतुष्ट कर दूंगा, बोले महाराज संतो होकर क्यों आ रहे हो, मरने के लिए क्यों तैयारी हो रहे हो, बोले नहीं महाराज हम संतुष्ट कर देंगे, बोले ठीक है आप बकरी को ले जाओ। और उन्होंने बकरी को ले गया, ले करके क्या किया उसको खूब घास खिलाया, खूब पेट भरा करके उसको घास खिलाया, घास खिला करके फिर खाने के बाद जो उसको घास दिया ना हाथ में के डंडा रखा, फिर जब घास खाने के लिए आए फिर उसको मुंह को मारे, उसको मुंह को मारे, जब जब घास खाने के लिए आए तभी मुंह को मारे, मारते 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 उसका मुंह खुल गया। अब देखना कहीं अगर तुम्हारी चोट लगा हुआ, अगर थोड़ी सी कहीं चोट लग जाए ना जिससे प्राण चल जाएगा, ऐसे होता है ना कहीं अगर चोट लगा हुआ तुम्हारी, अगर वहां पर थोड़ी सी कहीं चोट लग जाए जिससे प्राण पकड़ी उठ जाएगा, ऐसे लगता ना कष्ट लगता है, इसलिए उसको मुंह को मारते 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 ऐसे दर्द कर दिया। घास जब देता है जब खाने के लिए आता है फिर मारता है, फिर ऐसे दर्द कर दिया ना, जब वो डंडा को लगा कर रखता है जो घास खाने के लिए खाने का किया वो पीछे हटता है, वो पीछे हटता है क्यों जानता है फिर घास खाने जाओगे तो फिर हमें मारेगा। बोले महाराज आपका बकरी को भी संतुष्ट कर दिया, जो संतुष्ट कर दिया बोले हाँ। फिर राजा घास लेकर के आए, जब घास लेकर के आए वो साधु वहां पर खड़ा हुआ डंडा लेकर, और बकरी देख रहा है सामने डंडा लेकर खड़ा हुआ, अगर फिर खाऊंगा तो फिर डंडा फिर मारेगा। जब उसको घास खिलाने के लिए जाए ना वो बकरी पीछे हटे, वो बकरी पीछे हटता है और खाने के लिए नहीं आता है। बोले महाराज आपने ऐसे क्या कर दिया, ऐसे क्या कर दिया, क्योंकि ये बकरी घास खिलाने के लिए जाओ तो पीछे हटता है, वो आगे आने के लिए तैयार नहीं होता है। बोले महाराज अच्छे तरह से मैंने दवाई दे दिया, कभी जो मन है ना ये बकरी है, ये मन क्या सोचता है, शायद हमें भोग में ही सुख मिलेगा, भोग में ही सुख मिलेगा, सोचता भोग में सुख है लेकिन भोग में सुख नहीं है, हैं? भोग में सुख नहीं, जैसे आग में अगर घी डालोगे क्या घी बंद हो जाएगा, जरा तेज जितना डालोगे उतना ही वो तेज होता है, उतना ही जलती है,
उसी तरह ये मन शायद सोचता है विषय भोग करते 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 शायद संतुष्ट हो जाएगा। पता रावण का कितना पत्नी थी, एक तो मंददरी थी, रामायण देखेगी नहीं, मंददरी थी, और कितना पत्नियां थी, जहां से सुंदरी लड़की मिली, सुंदर से सुंदरी लड़की मिली, वो वही से पकड़ पकड़ कर उसको शादी करता था। रंभा उर्वशी मेनका जहां जहां गए, जहां सुंदरी मिली, लेकिन उसका काम की तृप्ति हुई? अरे सीता को देखा तो फिर उठा कर लेंगे, लेकिन और एक लड़की को जो रामायण देखोगे ना, सीता के ऊपर में डायरेक्ट आक्रमण क्यों नहीं किया, क्योंकि एक लड़की भजन कर रही थी, तपस्या कर रही थी, रावण उसको जोर जबरदस्ती उसके ऊपर उसने आक्रमण किया तो वो लड़की ने अभिशाप दिया, तुमको आज से तुम्हें अभिशाप देता हूँ, आइंदा में कभी भी अगर जोर जबरदस्ती किसी लड़की के ऊपर बलात्कार करने जाओगे रसन कट जाएगी, तुम मारा जाओगे। इसलिए सीता के ऊपर वो जोर जबरदस्ती नहीं कर पाई, क्योंकि उसको अभिशाप है, जानता है जाऊंगा तो मैं मरने वाला हूँ। इसलिए भैया जजाति महाराज की कथा सुनो, वो क्या कहते हैं, न जातु काम कामाप वगन संगते, भैया संसार का विषय भोग करते करते अभी तो किसी को भी तृप्त नहीं हुआ, भले ही तुम्हारी शरीर बुढ़ापा हो जाए, मन कभी बुढ़ा होता है? मन हर समय जवान बन जाता है, मन कभी बुढ़ापा होता है नहीं, भले शरीर बुढ़ापा हो गई, भोग करने की है क्षमता नहीं, लेकिन मन कभी बुढ़ा होता है? मन कभी बुढ़ा नहीं होता है। इसलिए शास्त्र ने बताया प्रवृत्ति रेसा भूताना निवृत्तेस तो महाफला, मतलब प्रवृत्ति भोग मार्ग में कोई फल नहीं है, त्याग मार्ग में ही फल है, भोग मार्ग में कोई फल नहीं, इसलिए त्याग मार्ग में ही आनंद है, भोग मार्ग में नहीं आनंद है, हैं? इसलिए जजाति महाराज के जीवन में दिखाई पड़ा, क्योंकि जजाति महाराज की क्या थी, दो पत्नी थी, एक तो थी देवजानी, किसका बेटी थी, शुक्राचार्य की बेटी थी, देवजानी थी, लेकिन जो शर्मिष्ठा कौन थी, वो राजकुमारी की उसका कथा पता ही नहीं, कहते राजा जो पिताजी का नाम क्या था, बोलो पिताजी का नाम क्या था, कहते उसका जो पिताजी थे राजा थे, हैं? उसका पिताजी वो राजा थे तो राजा की बेटी कौन थी, ये शर्मिष्ठा, और शुक्राचार्य की बेटी कौन थी, देवजानी थी। एक दिन क्या हुआ, दोनों की आपस में सहेली थी, एक दिन दोनों अपना सखियों को लेकर के सरोवर में स्नान करने के लिए गए। कभी कभी ऐसे होता है ना, जब कहीं घूमने जाते हैं हम क्या करते बच्चों, एक तरह का कपड़ा पहन कर चले, बोलते ना आज हम कहीं पिकनिक में जा रहे हैं, हम एक तरह का सबके सब कपड़ा पहन करके पिकनिक करने जाएंगे, पिकनिक करने के लिए गए जंगल में, गए तो वहां पर बोले सरोवर में स्नान करेंगे, अभी उन्होंने वस्त्र को उतार करके उन्होंने क्या किया, सरोवर को किनारे पर रख दिया, सबके सब नहाने के लिए गए। जब नहाने के लिए गए, इतने में जो देवजानी मतलब शुक्राचार्य का जो बेटी, शुक्राचार्य कौन थे, कहते ये जो शर्मिष्ठा की जो पिताजी, कहते उनकी कुल पुरोहित थे, उनका ये कुल पुरोहित थे, अभी उन्होंने एक जगह पर कपड़े रख करके नहाए, जो पहले आ गई देवजानी, लेकिन सब एक रंग का कपड़ा पहने हुए थे, उसको पता नहीं पड़ा चला ये शर्मिष्ठा की कपड़ा, मतलब राजा की बेटी की कपड़ा, उसने गलती से किया कि राजा की बेटी का कपड़ा गलती से उसने पहन ली, जब पहन ली इतने में शर्मिष्ठा आई, अरे मैंने यहाँ कपड़ा रखा था, मेरे कपड़ा कहाँ गई, यहाँ तो कपड़ा है ही नहीं, देखा वो कपड़े को कौन पहनी हुई, देवजानी, इतने में बोली तेरे पिताजी, मेरे पिताजी कुल पुरोहित है, पंडिताई गिरी करते है, कुल पुरोहित है, मतलब एक तरह के मेरे पिताजी का तुम्हारे पिता सेवक है, तेरी इतने हिम्मत कैसे हो गई, राजकुमारी की वस्त्र पहनने का तेरी इतना हिम्मत कैसे हो गई, तुमने पहने तो पहनी कैसे, तेरे को शर्म नहीं लगती है, उन्होंने बड़ी उल्टी पुल्टी गाली बकी तो इतने में ताव आ गया देवजानी को, बोले जानते हो मेरे पिता की वजह से तेरे पिताजी राज भोग कर रहे हैं, अगर मेरे पिताजी अगर
पूर्व कहीं तक काम नहीं करते ना, तेरे पिता राजा नहीं बनते। बोले ऐसे ऐसे तू बात करती हो? अभी देवजानी है कहते शर्मिष्ठा की सखिया है कि राजकुमारी है। बोले इसको पकड़ो, पकड़ करके शरीर से वस्त्र उतार दिया, वस्त्र उतार करके जोर जबरदस्ती कुएं में निकाल दिए। जब डाल दिए इतने वो कुएं में पड़ी हुई अंधकार, अरे ये सबके सब चले आए। जब चले आए इतने में राजा जो जजाति महाराज वो गए थे जंगल में शिकार खेलने के लिए, घूमते घूमते एक लड़की की करुणा की आवाज सुनाई दी, कोई रोते हुए भैया किसी लड़की की आवाज आ रही है। इतने में वो देखने के लिए गई, देखा तो एक लड़की कुएं में नंगी पड़ी हुई। बोले महाराज मेरे को निकाल दया करके, मेरे को निकाल दो। तो राजा ने क्या किया, अपना जो टोपी था ना, अपना जो पगड़ी पगड़ी को खोले, खोल करके डाले, डाल करके निकाले, और जो निकाले उसका हाथ पकड़ कर निकाले। पहले क्या होता था, पहले जैसे अभी होता है ना, दोस्त दोस्त में ध्यान सब करके हाथ पकड़ते, पहली जब नहीं थी पहले नमस्कार। अभी कोरोना आ गया ना, सारा दुनिया को पता चला कि भारत को नमस्कार करते हैं, हाथ पकड़ते उसका बीमारी भी आ जाती है। इसलिए हमारे भारत का क्या रिवाज है, नमस्कार करना है। जब इसका हम हाथ पकड़ते हैं ना, उसका जो इम्प्रेशन है उसका प्रभाव हमारे अंदर में भी आ जाती है। इसलिए इसकी हैंड सब नहीं करनी चाहिए। और पहले भारत का रीति रिवाज किया है, तब भी एक लड़की लड़के का हाथ पकड़ता है, एक लड़का लड़की कब हाथ पकड़ते, शादी का समय, शादी से पहले भी हाथ पकड़ते हैं नहीं। अभी धीरे धीरे हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है, वो अंग्रेजी संस्कृति धीरे धीरे आ रही है, और लड़का लड़की हाथ से पकड़ते नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं। हाथ तभी पकड़ते जब शादी का समय पर। लेकिन राजा जजाक ने किया कि उसको हाथ को पकड़ कर लड़की को निकाले। जब निकाले तो उन्होंने पूछे भैया तुम कौन हो, वो देखने में बड़ी सुंदर थी लड़की, बड़ी सुंदर थी। बोले मेरा नाम है देवजानी। बोले किसकी बेटी? बोले शुक्राचार्य की बेटी। बोले ऐसे कैसे हो गए? तो उन्होंने सारी बात बताई, शर्मिष्ठा ने मेरे को कुएं में डाल करके चली गई। बोले महाराज जीवन में पहला बार आप मेरे हाथ को पकड़े हो, मेरे हाथ को छोड़ना नहीं हो, मतलब मेरे को अपना पत्नी रूप में स्वीकार करो। बोले भैया मैं तो क्षत्रिय हूँ और तुम तो ब्राह्मण की बेटी, पहले तो जाति से बाहर कोई शादी करते नहीं थे, है पहले तो लव मैरिज था नहीं, अपने आप किसको प्रेम करके शादी कर गया, कहते ना आई लव यू फिर आई लीव यू फिर आई किल यू, फिर जाकर कोर्ट में क्या करते हैं, डाइवोर्स के लिए, फिर डाइवोर्स के लिए क्या करते हैं, वहां पर नंबर लगाते हैं। इसलिए था नहीं तो पहले तो पिता माता जहां पर ठीक करते थे तो वहीं पर बेटी जाती थी और जिंदगी भर वहीं पर जीवन बिता देते। लेकिन अभी ऐसे नहीं हो रहा है, तो बड़ी लड़ाई झगड़ा है, अभी बड़ी लड़ाई झगड़ा है। इसलिए उन्होंने बोले जाति जाति में क्यों शादी करते हैं, बिना जाति के क्यों शादी नहीं करते, उसको अंदर में बड़े रहस्य है। क्योंकि जो एक जात होता है ना, वो बचपन से घर से पिता माता को देखता है, पिताजी के प्रति माता जी कैसे व्यवहार, माँ पिताजी को साथ में कैसे व्यवहार करते हैं, घर की रहन सहन कैसे है, वो बचपन से ये सब चीज को देख देख कर आती है। देख करके आती बार जब बराबर बारात में जाए वो सब देख करके आई है, हर चीज देख करके आई है, मेरी माँ कैसे पिताजी को व्यवहार करते थे, पिताजी माँ से कैसे व्यवहार करते थे, फिर जाकर के वहां एडजस्ट हो जाते थे, वैसे करते थे। इसलिए जात जात में विवाह, इसलिए जात जात में विवाह हुआ करते थे, इसका यही कारण है। और जीवन भी साथ में पर वर्ण संकर नहीं होते थे, वर्ण से बहिर्भूत नहीं होते थे। इतने में बोले भैया तुम तो ब्राह्मण की बेटी, मैं तो राजा हूँ, मैं कैसे ब्राह्मण कन्या को स्वीकार कैसे कर सकता हूँ। तो देखो मेरे ऊपर में कच्छ का अभिशाप है। किसका अभिशाप है? कच्छ। कच्छ कौन था? कहते स्वर्ग का, इसकी कथा सुन लो बढ़िया से। इसलिए कच्छ की मेरे ऊपर अभिशाप। बोले कैसे? बोले ऐसे हुआ कि जो शुक्राचार्य ये संजीवनी मंत्र जानते थे, संजीवनी मंत्र उसे कहते हैं, कहते मरने का बाद में भी ऐसे मंत्र होता था जो मंत्र पढ़ करके मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर देते थे। केवल ये मंत्र किसके पास में था? शुक्राचार्य के पास में।
अगर देवता दैत्य में लड़ाई हो, अगर देवता मर के खत्म, लेकिन अगर दैत्य मर जाए ना, इनका गुरु शुक्राचार्य जो मंत्र पढ़ करके दोबारा चेले को जिंदा कर देते। इसलिए एक समय स्वर्ग में देवताओं ने मीटिंग किया, बोले ये विद्या हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये विद्या को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। बोले अगर कोई शुक्राचार्य के पास में जाए, वहां चेला बने और उनकी खूब सेवा करे, है शुक्राचार्य को संतुष्ट करके ये विद्या कोई प्राप्त कर सकता है, बोले कौन जाएगा, वो कौन जाएगा, क्योंकि वहां पर बड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि दैत्य लोग उनका चेले हैं। जब उनको ये बात पता चलेगा संजीवनी मंत्र सीखने के लिए आए, वो मार सकते हैं, वो भी मार सकते। इसलिए चालाक चतुर सुंदर व्यक्ति को भेजनी चाहिए। बोले स्वर्ग में ऐसे कौन है, एक व्यक्ति है कच्छ, देखने में बड़े सुंदर है, बड़े बुद्धिमान है, चालाक चतुर है, बोले इसको भेजा दिए। इसलिए ये कच्छ स्वर्ग से आए, कहां पर आए, मरते जगह राक्षस को पास में गए, शुक्राचार्य को पास में, और उनका चेले बन करके खूब उनने सेवा की। जब सेवा की, देखने में स्वर्ग का देवता देखने में बड़ी सुंदर थे, बड़े बुद्धिमान थे, लेकिन शुक्राचार्य जी का बेटी थी ये देवजानी, ये भी जवानी, ये भी जवानी, दोनों जवान है। जब जवानी जवानी में अभी वो देखने में बड़े सुंदर था, ये भी देखने में सुंदर थी, अभी दोनों का तरह प्रेम हो गई। जब प्रेम हो गई, लेकिन अभी ये देवजानी क्या सोचती है, ये कच्छ को मैं शादी करूं और कुछ इससे, लेकिन जो कच्छ है वो तो अपना कार्य साधन करने के लिए आया, लेकिन उसकी हृदय में ये भावना नहीं शादी की, लेकिन देवजानी चाहती है हम इसको साथ में शादी करें, लेकिन उसकी भावना नहीं। बोले क्यों नहीं, बोले जो गुरु जी है वो पिता है, गुरु जी क्या होते हैं, पिता होते हैं गुरु जी, जब पिता होते हैं तब गुरु जी से उन्होंने मंत्र शिक्षा प्राप्त करके सेवा कर रहे हैं, इसलिए उसको पिता हो गए शुक्राचार्य, उसको भी पिता शुक्राचार्य। एक पिता की जब बच्चे दो भाई बहनी हो गए, इसलिए कक्ष स्वर्ग में रहने वाले, मतलब कैसे अपना बहनी को साथ में मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, इसके हृदय में ये भावना है नहीं। लेकिन देवजानी ये सोच करके बैठी हुई, मैं शादी करूंगी इससे, क्योंकि लास्ट में जब ये गुरु है, जब लास्ट में जाएगा क्या देगा, गुरु दक्षिणा देगा, उस समय मैं पिताजी को बोलूंगा मेरे गुरु दक्षिणा यही चाहिए, इससे मैं शादी करूंगी, वो पहले ही इस बात सोच कर बैठी हुई। हाँ मन मन वो प्रेम करती है उसको, जब प्रेम करती है, इधर क्या हुआ, जब दैत्यों को पता चला ये देव कार्य को साधन करने के लिए कच आए, उसको जान से मारने के लिए कोशिश किया कि विद्या यहाँ से स्वर्ग नहीं चले जाए, जान से मारने के लिए एक समय उन्होंने किया कि उसको जान से मारने के लिए ना है? जान से मारने के लिए उन्होंने कभी उसको खत्म कर दी, मार दी, खत्म कर दी, जला करके राख बना दी, फेंक दिया। इतने में लेकिन देवजानी उसको प्रेम करती है, लेकिन देवजानी बोले कच्छ कहाँ है, मेरे कच्छ कहाँ है, उसके बगल में प्राण धारण नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी, हैं मर जाऊंगी मैं। इतने में उन्होंने ध्यान लगाया, कच्छ कहाँ गया, ध्यान लगाया देखो तो मार कर ले। लेकिन ये तो संजीवनी मंत्र जानते हैं, पर संजीवनी मंत्र से उन्होंने फिर जो मरा हुआ शरीर में पर पानी छिड़का दो, जिंदा हो जाएंगे। जब दो चार बार उसको मारने के लिए कोशिश किया, फिर शुक्राचार्य उसको बचा देता है, बोले क्या किया जाए, ऐसे कौन सा उपाय हो जैसे दोबारा बचा नहीं सके। एक बार किया कि उसको मार डाले देवता दैत्यों ने, और जला करके राख बना दिया, राख को शरबत बनाया, लस्सी बना, शरबत बनाया, और जो राख को शरबत में मिला करके पिला दिया शुक्राचार्य, वाह बस मर गया। अभी तो क्या कर दिया, अभी शुक्राचार्य को पेट में जला गया, अभी अगर जिंदा देगा तो ये खुद मरेगा, ये खुद मरेगा, अभी उसको और जिंदा नहीं कर सकता है, बस उसने जान से खत्म करके शरबत पिला दिया। अभी देवजन ढूंढे कहाँ गया कच्छ, कहाँ गया, अगर ढूंढे ढूंढे तो कहीं मिले नहीं। पिताजी को पास रोने लग गया, मेरे कच्छ कहाँ है, मैं जिंदा कर दे तो मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। इतने में शुक्राचार्य ध्यान लगाया, कहाँ गया, ध्यान लगा करके उसको पेट
कहते मेरे को तो शरबत बना कर देखते मैं पिला के मेरे को मेरे पेट में, अगर उसको जिंदा करके अगर आता नहीं फिर क्या होगा, वो मर जाएगा, वो खुद मरेगा। बोले क्या किया जाए, अभी क्या किया जाए। इतने में उन्होंने क्या कि बोले एक उपाय है, ये गर्भ में मेरा कच है, अगर ये संजीवनी मंत्र अगर मैं उसको सिखा देता हूँ, अगर मेरे पेट को फाड़ करके जब निकलेगा मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन वो संजीवनी मंत्र वो सीख लेगा फिर वो दोबारा मेरे को जिंदा कर सकता है। इसलिए उसको दैत्य लोग को तो दूसरा भाव बना सोचे, लेकिन वास यहाँ पर निकल गया, उन्होंने गर्भ में बैठ बैठ कर उन्हें संजीवनी मंत्र उसको प्राप्त कर दिया। तो देख बेटा तू जब जन्म लोगे मेरे को चिंता करना, बोले कोई चिंता नहीं गुरु जी। उसने बास उन्हें संजीवनी मंत्र सिखाया, फिर जो पेट फार करके निकले वो तो मर गए, फिर कच ने क्या किया उसको जिंदा कर दिया। बास जो काम के लिए आया था कार्य सिद्धि हो गई। जब उसकी कार्य सिद्धि हो गई अभी वो जाना चाहता स्वर्ग में, फिर गुरु दक्षिणा देकर ही जाएगा। लेकिन देवजानी ने उसको पिताजी को कहा, पिताजी जब वो गुरु दक्षिणा मांगेगा आप एक ही दक्षिणा मांगना, मेरी बेटी देवजानी से तुम शादी कर, एक दक्षिणा मांगना। बोले ठीक है बेटे। तो उन्होंने वही बोले मेरी बेटी से तुम शादी कर लो। बोले गुरु जी मैं कर ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले आप मेरे गुरु जी मतलब पिता है, जब पिता है आपकी मैं बेटा हो गया, वो भी आपकी बेटी, तब हम आपस में भाई बहन ही हो गए। जब भाई बहन ही हो गए आप बताओ भाई बहन को कैसे शादी कर सकते हैं, ये तो अनिति है ना, इसलिए ये मैं नहीं कर सकता। इतने में देवजान तो बिगड़ गई। बोले तेरे को मैंने कितना बार मरने पर तेरे को मैंने जिंदा करवाया, इतना मैंने तुमको प्रेम की, मेरी वजह से आज तुमने ये संजीवनी विद्या को सीखे हो, मेरी वजह से सब कुछ तुमको प्राप्त हुआ, और लास्ट जब गुरु दक्षिणा के लिए मना करते हो, अगर तुम मना करते हो मैं भी अभिशाप दे दूंगा, दे दूंगी। बोले क्या अभिशाप दोगे? बोले जो तुमने संजीवनी मंत्र तुमने प्राप्त किया वो मंत्र तुम्हारा निष्फल हो जाएगा, मंत्र निष्फल हो जाएगी, सारे मंत्र उसके निष्फल हो गया। कच बोलता है अगर तू मेरा अभिशाप दिया मैं भी तेरे को अभिशाप देता हूँ, तुम कभी ब्राह्मण को साथ में शादी कर ही नहीं सकते, ब्राह्मण ही है ना, ब्राह्मण से शादी करेगा, इसलिए किसी ब्राह्मण से तुम्हारी शादी नहीं होगी। दोनों को अभिशाप दे दिया। इसलिए कच किसको सुना रहा है? जयजाति महाराज को देवजानी सुना रही है, मेरे ऊपर में अभिशाप है, मैं किसी ब्राह्मण बच्चे को लड़के को मैं शादी कर ही नहीं सकती, इसलिए हम मेरे से शादी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने जब शादी कर सकते बोले ठीक है शादी करेंगे। तो फिर इधर क्या हुआ, अभी देवजानी गई किसको पास में? अपना पिताजी को पास में, और उन्होंने सारी बात बताया पिताजी ऐसे ऐसे है, थोड़ी गलती से मैंने शर्मिष्ठा के कपड़ा पहन लिया तो मेरे को बड़ी गंदी गंदी उसने पूरी मेरी भाषा में गाली बकी और हमके नंगी करके कुएं में डाल दी और मेरे को भीख मांगने वाले की बेटी बोलकर मेरे गाली दी, इसलिए चलो इनको परिवार छोड़कर हम और कहीं चले जाते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे और कहीं हम चले जाते हैं। ये बात जब राजा को पता चला, क्योंकि राजा ही जो शुक्राचार्य इसकी कृपा से ही राजगद्दी पर बैठा हुआ, ये तो पता नहीं कब देवता भगा देंगे, देखते भगा देंगे, गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ उसको प्राप्त हो रही है। अगर गुरु जी की कृपा चली जाएगी तो फिर देवताओं ने फिर आक्रमण करके उनको भी भगा देंगे, उनकी कृपा से ही राज सिंहासन वो कर रहा। इतने में राजा आकर के शुक्राचार्य जी के चरण में गिर पड़ा, बोले गुरु जी आप मत जाए, आप मत जाए करो, अब जो कुछ मांगेंगे हम सो देने के लिए तैयारी। बोले देने के लिए तैयारी? बोले हाँ। बोले देवजानी को पूछो वो क्या चाहते। देवजानी बोली तब भी हम रह सकते हैं, मेरी जब शादी होगी जजाति महाराज के साथ में आपका बेटी हमारे साथ में दासी बन करके जाएगी, हमारी दासी बन करके जाएगी। राजा को देना पड़ा, राजकुमारी दासी बन करके देवजानी की गई। लेकिन जब दासी बनकर गई अभी जजाति महाराज का औरस से दो बच्चे हुए देवजानी, दो बच्चे हुए, लेकिन शर्मिष्ठा राजकुमारी वो देखने में बड़ी सुंदरी थी, क्योंकि राजा की बेटी बड़ी सुंदरी, वो उसकी नौकरानी थी। इतने में देवजानी ने की
शर्मिष्ठा ने किया कि छुप करके राजा जजाति के पास में गए, बोले महाराज आप जानते हो मैं राजकुमारी हूँ, लेकिन इस दर्श में फंस गई है इसलिए इसकी दासत्व तो मेरे को करना पड़ा। आप जिसे देव जानी को संतान दिया कृपा करके मेरे को भी संतान दिया। तब राजा जजाति क्या करते थे, छुप करके ये शर्मिष्ठा को साथ में मिलते थे। जब शर्मिष्ठा को साथ में मिलते थे तब उनको तीन बेटे मिले और राजा की बेटी के राजा हैं, इसलिए जो देवजानी के बच्चे इतने सुंदर है उससे भी सुंदर बच्चे इसकी जन्म पर, उससे भी सुंदर बच्चे हैं। एक दिन देवजानी ने देखा दूर में तीन बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन तीन बच्चे राजकुमार जैसे सुंदर तीन बच्चे। उन्होंने एक दासी को भेजा, देखो तो ये तीन बच्चे आए कहां से, इतने सुंदर सुंदर बच्चे आए कहां से। जब उन्होंने पता लगाया देखा ये शर्मिष्ठा के बच्चे, ये शर्मिष्ठा के बच्चे कहां से आए, वो तो मेरी नौकर आई। उसको पता चला है ये जो राजा जजाति ये छुप करके ये शर्मिष्ठा से मिलते हैं और उसकी औरत से ये तीन बच्चे हुए है। तो देव जानी इतने दुखी हो गई, ये रो रो करके पिता के पास में जाकर के सारे बात को सुना दी, तुम्हारी दामाद ऐसे धोखेबाजी मेरी नौकरानी बन करके आई और उसको तीन बच्चे दिए और मेरे को दो बच्चे दिए, उनको तीन बच्चे और मेरे को दो बच्चे दिए, इसलिए जाकर के शिकायत की तो इतने राजा ये शुक्राचार्य तो बुरा क्रोध आया, उसने अभिशाप दे दिया, बोले जा तुमने इसे बेईमानी की, तेरी सारे पुरुषत्व तो नष्ट हो जाएगा और तू एकदम बूढ़े बन जाओ, जरा ना बन जाओ। अभिशाप दिया तो इतने में वो तो एकदम जराग्रस्त हो गया, जवान नहीं बूढ़ा बन गए, सारी जो उसका जो शक्ति सारी शक्ति चली गई और एकदम बूढ़े बन गए। जब बूढ़े बन गए इतने में राजा बड़े दुखी हुए, राधा बिहारी जी की, राजा बड़े दुखी हुए, दुखी होकर के उन्होंने शुक्राचार्य जी को चरणों को पकड़े, रो रो करके माफी मांगे, देव जानी से भी माफी मांगे, बोले देख देव जानी अभी तुम भी जवानी हो, अभी तुम भी बूढ़ी नहीं, अभी तुम जवानी हो, अभी भी तुम्हारी हृदय में संसार की वासना है, लेकिन अभी तो मैं पति बूढ़ा हो गया है, लेकिन अभी तो तुम्हारी संसार की इच्छा भी पूरी नहीं हुई, इसलिए मेरे पर तुम कृपा कर दो, मेरे को आशीर्वाद दो। खैर देव जानी ने मेरे पिताजी से बोले पिताजी जो कुछ हो गया हो गया, अभी आशीर्वाद दे दो। बोले मैं तो अभिशाप दे चुका हूँ, लेकिन और एक उपाय है। बोले क्या उपाय है, बोले एक उपाय है, अगर कोई इनकी जवानी को दे करके बुढ़ापा लुट ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बेटा था जदू, तो जदू के पास में गए, बोले बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ दिन के लिए मेरी जवानी को तो मैं तुम्हारी जवानी को मेरे को दे दो और मेरी बुढ़ापा ले लो। बोले नहीं, बोले नहीं, बोले क्यों, बोले भगवान ये जवानी क्यों दिया है, भगवान के भजन के लिए दिया है, ये 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार ये मानव शरीर मिला, भगवान ये मानव शरीर बार बार नहीं देते, ये मानव शरीर नहीं मुक्ति के दरवाजा पर पहुंचे है, अगर आप मेरी जवानी लेकर भगवान की भजन करते तो मैं खुश होकर की जवानी देता, लेकिन आप विषय भोग करने के लिए ले जा रहे हो और किसको साथ में, मेरी माँ, मेरी माँ को साथ में, बेटा का जवानी को लेकर के माँ को साथ में भोग करके कौन सा धर्म करती है, तो चुप हो गए। बोले अगर तुम मेरी जवानी नहीं दोगे ना मेरे को, मैं भी अभिशाप देता हूँ। बोले क्या, बोले मेरे बाद में तू ही बेटा मेरा राज सिंहासन में बैठने वाला, तुम मेरे राज सिंहासन में बैठ नहीं सकोगे, कोई बात नहीं, हम इस जवानी को देख करके मैं भगवान का भजन करूंगा। इसलिए भगवान प्रसन्न होकर उसको बोले नहीं, प्रसन्न होकर के बोले मैं आऊंगा तो तेरे वंश में आऊंगा, इसलिए भगवान जदु वंश में ही ठाकुर आए। लेकिन जब कोई बेटा नहीं दिया, देखिए सबसे जो छोटा बेटा पुरु था उसने जवानी को उसने दिया, बोले तू ही मेरे बाद में राज सिंहासन को तुम प्राप्त करोगे। अभी उसका जवानी को लेकर उन्होंने किया कि विषय भोग किया, संसार का भोग किया, लेकिन वो भोग करते 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 ना कोई शांति मन में कोई शांति नहीं, बल्कि जितने विषय भोग करे
उतना ही मन में और भोग करे और भोग करे, उनका मन कभी शांति नहीं मिलता है। फिर उन्हें लास्ट में अनुभूति की बात बताए, न जात काम काम को भोगकर न संभते। भैया संसार का विषय भोग करते करते कोई भी शांति सुख को नहीं प्राप्त किया। सौभर ऋषि को थे, उसने क्या किया, मानता था का 50 बेटियों से शादी की, 50 बेटियों से शादी की। जब मानधाता देखने के लिए गया 50 राजमहल, और ये देश का राजा था, इसको पास में जो विषय भोग का वस्तु नहीं था उससे भी सुंदर सुंदर विषय भोग कर रहा था उसकी, ये मानधा कौन सौभर ऋषि, 50 बेटियों को। लेकिन लास्ट में 50 बेटियों को साथ में भोग करते करते देखा मन में कोई शांति नहीं मन में, कोई शांति नहीं। जितने विषय भोग करो और भोग करे और भोग करे, लास्ट मन सब कुछ हमने त्याग दिया। बोले भैया भोग में शांति नहीं, शांति त्याग में ही, शांति त्याग में शांति है। अगर कोई सोचे नहीं विषय भोग करते करते जब बुढ़ापा आ जाएगा भजन कर लेंगे, क्या करे पूछो, जितने माया की डंडा पड़ता है ना, जितने माया की डंडा सबको सेवा करो, आज सबका डंडा खाओ संसार, सबकी सेवा करो सबकी डंडा खाओ, लेकिन मैया जितना डंडा मारती है ना उतना ज्यादा चुप होता जा रहा है, उतना ही नाती पोती बेटा बेटी बो में उतना ही आसक्ति, वो आसक्ति दूर नहीं होता है, वो आसक्ति दूर नहीं होती है। इसलिए व्यास देव जी ने ये चीज को उन्होंने कहते, भक्ति जोगे न सम्यक प्रणीत अमले अपस्यम पुरुषम पूर्णम माया चित्तवासक। उन्होंने दिव्य दृश्य से उन्होंने देखा है सब चीज को, कैसे जी भगवान को भूल करके ये माया में जा रही है, और माया सबको डंडा मारती जा रही है, सबको पीठ पर डंडा मार रही है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई बेटे से दुखी, कोई भोग से दुखी, कोई नाती से दुखी, कोई पोती से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, सबको डंडा से दस जी बड़े पड़ रहा है, लेकिन उसको आसक्ति छोड़ नहीं रहा है, और जितना डंडा पड़ रहा है उतना और ज्यादा चिपकते जा रही है। कैलाश जैसे कया से ऐसे पहले बन गया क्या, कुत्ता बन करके आया संसार को चिंता, तब भी संसार में नहीं आया, फिर पहले बन करके फिर खेती किया तब भी उसको तृप्ति नहीं हुआ, फिर सांप बन करके धान को रखा किया तब भी तृप्ति नहीं हुआ। भैया संसार की डंडा खाते खाते अभी किसको भी तृप्ति नहीं मिली। इसलिए संत क्या करते हैं, किसका प्रश्न है प्रभुपाद को, संत करते हैं क्या, संत भैया तलवार लेकर खड़े रहते हैं, तलवार लेकर खड़े रहते हैं क्या, ये जीव जो माया में है, ये जो जीव जो माया में जा रहा है क्या कर रहे हैं, उसको काटने के लिए साधु क्या करते, तलवार लेकर उसको संत एवास सिंधंती मन व्यास संतोति भी, वो क्या करते वाणी रूपी तलवार के द्वारा संसार में जो जीव का आसक्ति को काट डालते, फिर काट कर करते है क्या, फिर हमें ठाकुर के चरण में लगा, ये मन को कहते तो भैया मनमोहन में लगा दो, ये मन को तो मनमोहन में लगा दो तभी ये मन को तभी शांति मिलेगी, लेकिन दुनिया में और किसी चीज में कहीं भी दुनिया में तुम्हें शांति मिलने वाले नहीं, बल्कि धोखा धोखा और फसाद मिलेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि सागर तीव्र खड़ग साधु कारो तो सामद करे ना, जो सही साधु है ना किसकी चापुरासी नहीं करते हैं, किसकी चापुरासी नहीं करते साधु, इसलिए कारण तोसा मत करना, साधु यदि अमर तोसा मत हन ताहल तिनी अमर अंग अमंगकारी अमर शत्रु। अगर साधु अगर किसको तोसा मत करने लग जाए ना, फिर क्या होगा, यदि ये भैया फिर हमारे मंगल कैसे करेंगे, कहते हर चीज में मुंडी नहीं लानी चाहिए, जो बोले हर चीज में हाँ जी नहीं करनी चाहिए, हाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो साधु हमारी कल्याण नहीं कर सकते हैं। जीव क्या करता है वो तो माया में ही कथा था, तो ब्रह्म जिज्ञासा कथा तो ब्रह्म जिज्ञासा तीन शब्द आया, अतः ब्रह्म जिज्ञासा मतलब क्या, अतः मतलब होता है जीव संसार में सुख ढूंढता है, सुख तो ढूंढते है ना, कहा ढूंढ रहे संसार, संसार में तो सुख ढूंढ रहे ना, संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, अतः मतलब होता है, अतः मतलब क्या, सुख तो ढूंढ रहा है लेकिन जहाँ ढूंढने चाहिए वो गलत जगह पर ढूंढ रहा है,
जहाँ ढूंढने चाहिए हुआ नहीं ढूंढ रहा है, वो गलत जगह पर ढूंढ रहा है, हैं? बोले कहा आनंद है, बोले ठाकुर के चरण में अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारे चरण द्वय, ठाकुर के चरण में ही शांति सुख है। वो ठाकुर का चरण को छोड़ दिए, वो कहा ढूंढ रहे हैं ये संसार, जो स्वयं दुखी संसार में, जिसको हम प्रेम करके जहां से सुख ढूंढना चाहते, वो क्या खुद सुखी है? पूछ लो, वो क्या खुद सुखी है? अरे भैया जो खुद सुखी नहीं हमें सुख कहां से देगा? वो स्वयं संसार में दुखी 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 दुखी, वो हमें सुख कहां से देगा? इसलिए उदाहरण दिया, जैसे एक माता जी रोड में एक सुई ढूंढ रही थी, एक व्यक्ति ने देखा एक माता जी सुई ढूंढ रही है, वो गया देखा सुई ढूंढ रहा था, एक घंटा बाद में आया देखा वहीं पर फिर सुई ढूंढ रही, बोले माता जी मैंने देखा एक घंटा से आप यहाँ क्या ढूंढ रही हो? बोले सुई, सुई ढूंढ रहा हूँ। बोले सुई गिरा कहाँ? बोले घर में। बोले गिरा तो घर में, फिर रोड में क्यों ढूंढ रहे हो? अरे जहां पर गिरा वहीं पर तो ढूंढो, गिरा तो घर में लेकिन तुम ढूंढ रहे हो रोड में, इसका मतलब क्या है? हमारी दुख का कारण क्या? कारण है कृष्ण भूलि सहि जीव अनादि भय को, भगवान को भूलने का वजह से ये सारे दुख है, सब दुख भगवान को भूलने का वजह से। सुख कब मिलेगा? जब भगवान की शरण में जाएंगे, शरण में जाएंगे। लेकिन हम प्रभु की चरण में सुख नहीं ढूंढ रहे, कहाँ? ये बीबी बेटा नाती पति पति पत्नी से ही सुख ढूंढ रहे, भैया ये चीज सुख नहीं दे सकता है, तो केवल ठाकुर का चरण में ही सुख है। अगर ढूंढना तो उनकी चरण में ही सुख ढूंढो और भगवान की भजन करो। इसलिए कहते हैं तिनी अमार अंकर, वैष्णव गण असत संग करवार प्रवृत्ति नहीं, तबे असत संग गण मंगल जन्य वैष्णव गण वाक्यार्थ द्वारा असत संग दिगरे असत वृत्ति परिहार कराया तहा दिवके सत्संग आनयन करे। साधु लोग क्या करते हैं, वैष्णव लोग कहते इनकी प्रवृत्ति असत संग में नहीं है, कहते सत्य सज्जुज बुद्धिमान, क्या श्लोक है? अरे बोलो सत्य सज्जित बुद्धिमान। इसलिए जो बुद्धिमान क्या करते हैं, असत संग को छोड़ करके जीवन में सत्संग करते हैं, ये बुद्धिमान का कर्तव्य है, ना बुद्धिमान का कर्तव्य है। इसलिए जो वैष्णव लोग हैं हर समय इनका प्रवृत्ति है कैसे सत्संग में बैठे, क्योंकि संग मूल वस्तु है। जैसे संगत में बैठोगे शराब के साथ में बैठोगे शराब पियोगे, चोर के साथ में बैठोगे चोरी करोगे, है जैसे संगत देखना धीरे धीरे उसका भाव भी हमारे अंदर में धीरे धीरे भाव उनका भी अतिक्रमण करता है, हृदय में प्रवेश करता है। साधु के साथ में बैठे बैठे भजन शुरू कर देंगे, असत संग में बैठे क्या दिन भर माला लगे हरे कृष्ण के, देख कितना सुंदर टीवी टीवी में सीरियल आ रही है, और कितना सुंदर देखो स्मार्टफोन देखो, हाँ क्या क्या भगवान भजन माला लेकर दिन भर हरे कृष्ण करो, हो गया तुम्हारी। लेकिन अगर कोई साधु संग में बैठोगे तो क्या करेगा, भैया जीवन दुर्लभ है, भगवान दो बार जीवन नहीं देगी, 84 लाख जन के बाद में मिला है, एक बार गया तो फिर गया, फिर ठाकुर जी जीवन तुम्हें नहीं देंगे, जीवन को बर्बाद नहीं करते हुए भगवान भजन मंगला, किसी में ही शांति सुख। साधु लोग तो ये करेगा, सत्संग क्या करेगा, उल्टा रास्ता में ले जाएगा। इसलिए कहते हैं वैष्णव गणेर असत संग करवा प्रवृत्ति नहीं, तबे असत संग गणेर मंगल जन वैष्णव गण वाक्य द्वारा असत संग दिगर असत प्रवृत्ति परिहार कराया तहा दिगर के सत्संग आनयन करे। इसलिए साधु लोग क्या करते हैं, कहते ये अपना सुंदर वाक्यों द्वारा है, अपना वाक्यों को द्वारा क्या करते हैं, उनको समझा बुझा करके वाक्यों रूपी अस्त्र द्वारा, अस्त्र वाक्य अस्त्र है, उसको अस्त्र वाक्य को द्वारा क्या करते हैं, असत संग से दूर करा के उसको साधु संग दिला देते हैं, उसको भक्तों का संग दिला देते हैं। हमारा यदि निष्कपट गुरुपाद पद्म आश्रय करी ताहले भगवत साक्षात्कार एक जन्म हवे, एक जीवन में हम भगवत साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं, अगर हम निष्कपट रूप में गुरुपाद पद्म का आश्रय करेंगे तो तभी क्या होगा, पहले ताल भगवत साक्षात्कार एक जन्म ही, तभी हम एक जीवन में भगवत प्राप्ति भगवत दर्शन हमारी
हो सकती है इसी जीवन में। निताई गौर प्रणमते हरि हरि वो मंचाग्रस्त कृपा सिंधु वै वच पतितानंद पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम गौर प्रेमानंद।